हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है मिलन मुरली। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिलन मुरली एक 2021 की भारतीय मलयालम भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो बेसिल जोसेफ द्वारा निर्देशित और विकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तले सोफियन पॉल द्वारा निर्मित है। पटकथा अरुण अनिरुद्धन और जस्टिन मैथ्यू ने लिखी है। फिल्म में टोविनो थॉमस और गुरु सुंदरम है। कहानी जेसन के जीवन का अनुसरण करती है जो एक युवा दर्जी है जो बिजली गिरने के बाद सुपर पावर हासिल करता है और एक सुपर हीरो में बदल जाता है। फिल्म की औपचारिक घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी लेकिन व्यापक प्रीप्रोडक्शन कार्यों के कारण फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर 2019 के दौरान हुई थी। फिल्म हालांकि कोविड-19 महामारी की दुम लहरों और एक चर्च की बर्बरता के कारण शूटिंग दो बार बाधित हुई थी। दक्षिण पंथी समूह द्वारा निर्धारित निर्माताओं ने जुलाई 2021 के भीतर शूटिंग पूरी करने के में कामयाबी हासिल की। फिल्म को मुख्य रूप से केरल में शूट किया गया था जिसमें कर्नाटक सहन में कुछ दृश्य की शूटिंग की गई थी। फिल्म का संगीत शान रहमान और सुशील श्याम ने तैयार किया है। श्याम ने बैकग्राउंड स्कोर की भी तैयार किया है जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी समीर ताहिर ने संभाली थी और लिविंगस्टन मैथ्यू ने संपादन किया था। फिल्म को 2020 के अंत में एक थिएटर्स के रिलीज के लिए सेट किया गया था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे कई बार स्थगित कर दिया गया था। सितंबर 2021 में निर्माताओं ने घोषित किया कि महामारी के कारण सिनेमाघरों के बंद होने के परिणाम स्वरूप फिल्म को सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के माध्यम से रिलीज किया जाएगा। इसका प्रीमियर 16 दिसंबर 2 को मुंबई फिल्म के फेस्टिवल में किया गया था और क्रिसमस की पूर्व संध्या के अवसर पर दुनिया भर में इसका प्रीमियर किया गया था। इसे कलाकारों से कि प्रदर्शन लेखन निर्देशन एक्शन दृश्यों VFX और साउंडट्रैक की प्रशंसा करते हुए आलोचकात्मक प्रशंसा मिली थी। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में तो टोविनो थॉमस दोहरी भूमिका में हैं, जेसन वर्गीज मनिल मुरली एक दर्जी जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्ति यान हासिल कर लेता है। युवा जेसन के रूप में अवन भूकोटे और मार्जिन रंग कलाम एक थिएटर कलाकार और जेसन के जैविक पिता हैं। शिबू के रूप में गुरु सोमसुंदरम एक सामाजिक बहिष्कृत जो एक चाय की दुकान में काम करता है जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्तिशाली हो जाता है। शिव के रूप में गुरु सोम सुंदरम एक हेम अजून वर्गीज पी सी सीबी पोतन जैन जेसन के बनोई के रूप में और जोसमन के रूप में वशिष्ठ उमेश जेसन का भतीजा और पोतन का बेटा है। फेमिनम जॉर्ज ब्रूस ली बीजी के रूप में एक ट्रेवल एजेंट और कराटे प्रशिक्षक जो अनिश की पूर्व प्रेमिका है।
वो ये बात करें मून की स्टोरी के बारे में, तो 1990 के शतक में जेसन कुरुकल मूला गांव का एक युवा दर्जी अमेरिका में अपना करियर बनाने के सपने देख रहा है। इस आय साजन ने अपनी बेटी बिस्नी के साथ जेसन के रिश्ते पर रोक लगा दी, क्योंकि वह पहले से ही अनिश से जुड़ी हुई है। अनिश की पूर्व प्रेमिका ब्रूसली बीजी भी इस बात से नाराज है कि अनिश ने उससे संबंध तोड़ लिया है। इस बीच शिबू एक सामाजिक बहिष्कृत शिकार है जो एक चाय की दुकान में काम करता है, और वह अपनी बचपन की प्यारी उषा जो कि दासन की बहन भी है कि वो वापसी के लिए 28 साल से इंतजार कर रहा था। दासन जेसन और उसके पिता वर्की की दर्जी की दुकान में काम करते हैं। उषा की एक बेटी है जिसे एक जरूरी मेडिकल ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन ऑपरेशन के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं है। बाकी की फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है मिलना मुरली। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिन्नल मुरली एक 2021 की भारतीय मलयालम भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो बेसिल जोसेफ द्वारा निर्देशित और वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तले सोफिया पॉल द्वारा निर्मित है। पटकथा अरुण अनिरुद्धन और जस्टिन मैथ्यू ने लिखी है। फिल्म में टोविनो थॉमस और गुरु सुंदरम है। कहानी जेसन के जीवन का अनुसरण करती है जो एक युवा दर्जी है जो बिजली गिरने के बाद सुपर पावर हासिल करता है और एक सुपर हीरो में बदल जाता है। फिल्म की औपचारिक घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, लेकिन व्यापक रिप्रोडक्शन कार्यों के कारण फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर 2019 के दौरान हुई थी। फिल्म हालांकि COVID-19 महामारी की दुम लहरों और एक चर्च की बर्बरता के कारण शूटिंग दो बार बाधित हुई थी, दक्षिणपंथी समूह द्वारा निर्धारित निर्माताओं ने जुलाई 2021 के भीतर शूटिंग पूरी करने के में कामयाबी हासिल की। फिल्म को मुख्य रूप से केरल में शूट किया गया था, जिसमें कर्नाटक के सहन में कुछ दृश्यों की शूटिंग की गई थी। फिल्म का संगीत शान रहमान और सुशील श्याम ने तैयार किया है। श्याम ने बैकग्राउंड स्कोर की भी तैयार किया है, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी समीर ताहिर ने संभाली थी और लिविंगस्टन मैथ्यू ने संपादन किया था। फिल्म को 2020 के अंत में एक थिएटर्स के रिलीज के लिए सेट किया गया था, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसे कई बार स्थगित कर दिया गया था। सितंबर 2021 में निर्माताओं ने घोषित किया कि महामारी के कारण सिनेमाघरों के बंद होने के परिणाम स्वरूप फिल्म को सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के माध्यम से रिलीज किया जाएगा। इसका प्रीमियर 16 दिसंबर 2 को मुंबई फिल्म के फेस्टिवल में किया गया था और क्रिसमस की पूर्व संध्या के अवसर पर दुनिया भर में इसका प्रीमियर किया गया था। इसे कलाकारों से
कि प्रदर्शन, लेखन, निर्देशन, एक्शन, दृश्यम, वीएफएक्स और साउंडट्रैक की प्रशंसा करते हुए आलोचकों प्रशंसा मिली थी। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में तो टोविनो थॉमस दोहरी भूमिका में हैं, जेसन वर्गीज मनिल मुरली एक दर्जी जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्ति यान हासिल कर लेता है, युवा जेसन के रूप में अवन भूकोटे और मार्जिन रंग कला एक थिएटर कलाकार और जेसन के जैविक पिता है, शिबू के रूप में गुरु सोमसुंदरम एक सामाजिक वैश्विक जो एक चाय की दुकान में काम करता है जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्तिशाली हो जाता है, शिव के रूप में गुरु सोम सुंदरम एक है अर्जुन वर्गीज पी सी सीबी पोतन जैन जैसन के बनोई के रूप में है और जोसमन के रूप में वशिष्ठ उमेश जैसन का भतीजा और पोतन का बेटा है, फेमिनम जॉर्ज ब्रूस ली बीजी के रूप में एक ट्रेवल एजेंट और कराटे प्रशिक्षक जो अनिश की पूर्व प्रेमिका है। तो ये बात करें उनके स्टोरी के बारे में तो 1990 के शतक में जेसन कुरुकन मूला गांव का एक युवा दर्जी अमेरिका में अपना करियर बनाने के सपने देख रहा है। इस आय साजन ने अपनी बेटी डिस्नी के साथ जेसन के रिश्ते पर रोक लगा दी क्योंकि वह पहले से ही अनिश से जुड़ी हुई है। अनिश की पूर्व प्रेमिका ब्रूस ली बीजी भी इस बात से नाराज है कि अनिश ने उससे संबंध तोड़ लिया है। इस बीच शिबू एक सामाजिक बहिष्कृत शिकार है जो एक चाय की दुकान में काम करता है और वह अपनी बचपन की प्यारी उषा जो कि दासन की बहन भी है कि वो वापसी के लिए 28 साल से इंतजार कर रहा था। दासन जेसन और उसके पिता वर्की की दर्जी की दुकान में काम करते हैं। उषा की एक बेटी है जिसे एक जरूरी मेडिकल ऑपरेशन की जरूरत है लेकिन ऑपरेशन के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं है। बाकी की फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है मिलना ना भूले। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें है वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिन्नल मुरली एक 2021 की भारतीय मलयालम भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो बेसिल जोसेफ द्वारा निर्देशित और वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तले सोफिया पॉल द्वारा निर्मित है। पटकथा अरुण अनिरुद्धन और जस्टिन मैथ्यू ने लिखी है। फिल्म में टोविनो थॉमस और गुरु सुंदरम है। कहानी जेसन के जीवन का अनुसरण करती है जो एक युवा दर्जी है जो बिजली गिरने के बाद सुपर पावर हासिल करता है और एक सुपर हीरो में बदल जाता है। फिल्म की औपचारिक घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी लेकिन व्यापक रिप्रोडक्शन कार्यों के कारण फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर 2019 के दौरान हुई थी। फिल्म हालांकि कोविड-19 महामारी की दुम लहरों और एक चर्च की बर्बर
रता के कारण शूटिंग दो बार बाधित हुई थी। दक्षिणपंथी समूह द्वारा निर्धारित निर्माताओं ने जुलाई 2021 के भीतर शूटिंग पूरी करने के में कामयाबी हासिल की। फिल्म को मुख्य रूप से केरल में शूट किया गया था, जिसमें कर्नाटक के सहन में कुछ दृश्यों की शूटिंग की गई थी। फिल्म का संगीत शान रहमान और सुशील श्याम ने तैयार किया है। श्याम ने बैकग्राउंड स्कोर की भी तैयार किया है, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी समीर ताहिर ने संभाली थी और लिविंगस्टन मेथ्यू ने संपादन किया था। फिल्म को 2020 के अंत में एक थिएटर्स के रिलीज के लिए सेट किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे कई बार स्थगित कर दिया गया था। सितंबर 2021 में निर्माताओं ने घोषित किया कि महामारी के कारण सिनेमाघरों के बंद होने के परिणाम स्वरूप फिल्म को सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के माध्यम से रिलीज किया जाएगा। इसका प्रीमियर 16 दिसंबर 2 को मुंबई फिल्म के फेस्टिवल में किया गया था और क्रिसमस की पूर्व संध्या के अवसर पर दुनिया भर में इसका प्रीमियर किया गया था। इसे कलाकारों से प्रदर्शन, लेखन, निर्देशन, एक्शन, दृश्यों, वीएफएक्स और साउंडट्रैक की प्रशंसा करते हुए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में तो टोविनो थॉमस दोहरी भूमिका में हैं, जेसन वर्गीज मनिल मुरली एक दर्जी जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्ति या हासिल कर लेता है। युवा जेसन के रूप में अवन भूकोट है और मार्जिन रंग कलाम एक थिएटर कलाकार और जेसन के जैविक पिता है। शिबू के रूप में गुरु सोमसुंदरम एक सामाजिक बहिष्कृत जो एक चाय की दुकान में काम करता है जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्तिशाली हो जाता है। शिवु के रूप में गुरु सोम सुंदरम एक है अजून वर्गीज पी सी सीबी पोतन जैन जैसन के बनोई के रूप में है और जोसमन के रूप में वशिष्ठ उमेश जैसन का भतीजा और पोतन का बेटा है। फेमिनम जॉर्ज ब्रूस ली बीजी के रूप में एक ट्रेवल एजेंट और कराटे प्रशिक्षक जो अनिश की पूर्व प्रेमिका है। तो ये बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो 1990 के शतक में जेसन कुरुकल मूला गांव का एक युवा दर्जी अमेरिका में अपना करियर बनाने के सपने देख रहा है। इस आय साजन ने अपनी बेटी विस्निंग के साथ जेसन के रिश्ते पर रोक लगा दी क्योंकि वह पहले से ही अनिश से जुड़ी हुई है। अनिश की पूर्व प्रेमिका ब्रूस ली बीजी भी इस बात से नाराज है कि अनिश ने उससे संबंध तोड़ लिया है। इस बीच शिबू एक सामाजिक बहिष्कृत शिकार है जो एक चाय की दुकान में काम करता है और वह अपनी बचपन की प्यारी उषा जो कि दासन की बहन भी है कि वो वापसी के लिए 28 साल से इंतजार कर रहा था। दासन जेसन और उसके पिता वर्की की दर्जी की दुकान में काम करते हैं। उषा की एक बेटी है जिसे एक जरूरी मेडिकल ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन ऑपरेशन के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं हैं।
बाकी की फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है मिलन मुरली। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिलन मुरली एक 2021 की भारतीय मलयालम भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो बेसिल जोसेफ द्वारा निर्देशित और वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तले सोफियन पॉल द्वारा निर्मित है। पटकथा अरुण अनिरुद्धन और जस्टिन मैथ्यू ने लिखी है। फिल्म में टोविनो थॉमस और गुरु सुंदरम है। कहानी जेसन के जीवन का अनुसरण करती है जो एक युवा दर्जी है जो बिजली गिरने के बाद सुपर पावर हासिल करता है और एक सुपर हीरो में बदल जाता है। फिल्म की औपचारिक घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी लेकिन व्यापक रिप्रोडक्शन कार्यों के कारण फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर 2019 के दौरान हुई थी। फिल्म हालांकि COVID-19 महामारी की दुम लहरों और एक चर्च की बर्बरता के कारण शूटिंग दो बार बाधित हुई थी। दक्षिण पंथी समूह द्वारा निर्धारित निर्माताओं ने जुलाई 2021 के भीतर शूटिंग पूरी करने के में कामयाबी हासिल की। फिल्म को मुख्य रूप से केरल में शूट किया गया था जिसमें कर्नाटक किन सहन में कुछ दृश्य की शूटिंग की गई थी। फिल्म का संगीत शान रहमान और सुशील श्याम ने तैयार किया है। श्याम ने बैकग्राउंड स्कोर की भी तैयार किया है जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी समीर ताहिर ने संभाली थी और लिविंगस्टन मैथ्यू ने संपादन किया था। फिल्म को 2020 के अंत में एक थिएटर्स के रिलीज के लिए सेट किया गया था लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसे कई बार स्थगित कर दिया गया था। सितंबर 2021 में निर्माताओं ने घोषित किया कि महामारी के कारण सिनेमाघरों के बंद होने के परिणाम स्वरूप फिल्म को सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के माध्यम से रिलीज किया जाएगा। इसका प्रीमियर 16 दिसंबर 2 को मुंबई फिल्म के फेस्टिवल में किया गया था और क्रिसमस की पूर्व संध्या के अवसर पर दुनिया भर में इसका प्रीमियर किया गया था। इसे कलाकारों से प्रदर्शन लेखन निर्देशन एक्शन दृश्यों VFX और साउंडट्रैक की प्रशंसा करते हुए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में तो टोविनो थॉमस दोहरी भूमिका में हैं, जेसन वर्गीज मनिल मुरली एक दर्जी जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्ति या हासिल कर लेता है। युवा जेसन के रूप में अवन भूकोट है और मार्जिन रंग कलाम एक थिएटर कलाकार और जेसन के जैविक पिता है। शिबू के रूप में गुरु सोमसुंदरम एक सामाजिक वैश्रुत जो एक चाय की दुकान में काम करता है जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्तिशाली हो जाता है। शिव के रूप में गुरु सोम सुंदरम एक है अजून वर्गीज पी सी सीबी पोतन जैन जेसन के बनोई के रूप में और जोसमन के रूप में वशिष्ठ उमेश जेसन का
भतीजा और पोतन का बेटा है। फेमिनम जॉर्ज ब्रूस ली बीजी के रूप में एक ट्रेवल एजेंट और कराटे प्रशिक्षक जो अनिश की पूर्व प्रेमिका है। वो ये बात करें उनकी स्टोरी के बारे में तो 1990 के शतक में जेसन कुरुकल मूला गांव का एक युवा दर्जी अमेरिका में अपना करियर बनाने के सपने देख रहा है। इस आय साजन ने अपनी बेटी डिस्नी के साथ जेसन के रिश्ते पर रोक लगा दी क्योंकि वह पहले से ही अनिश से जुड़ी हुई है। अनिश की पूर्व प्रेमिका ब्रूस ली बीजी भी इस बात से नाराज है कि अनिश ने उससे संबंध तोड़ लिया है। इस बीच शिबु एक सामाजिक बहिष्कृत शिकार है जो एक चाय की दुकान में काम करता है और वह अपनी बचपन की प्यारी उषा जो कि दासन की बहन भी है कि वो वापसी के लिए 28 साल से इंतजार कर रहा था। दासन जेसन और उसके पिता वर्की की दर्जी की दुकान में काम करते हैं। उषा की एक बेटी है जिसे एक जरूरी मेडिकल ऑपरेशन की जरूरत है लेकिन ऑपरेशन के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं है। बाकी की फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है मिलना ना भूलें। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिन्नल मुरली एक 2021 की भारतीय मलयालम भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो बेसिल जोसेफ द्वारा निर्देशित और वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तले सोफिया पॉल द्वारा निर्मित है। पटकथा अरुण अनिरुद्धन और जस्टिन मैथ्यू ने लिखी है। फिल्म में टोविनो थॉमस और गुरु सुंदरम है। कहानी जेसन के जीवन का अनुसरण करती है जो एक युवा दर्जी है जो बिजली गिरने के बाद सुपर पावर हासिल करता है और एक सुपर हीरो में बदल जाता है। फिल्म की औपचारिक घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी लेकिन व्यापक रिप्रोडक्शन कार्यों के कारण फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर 2019 के दौरान हुई थी। फिल्म हालांकि COVID-19 महामारी की दुम लहरों और एक चर्च की बर्बरता के कारण शूटिंग दो बार बाधित हुई थी। दक्षिणपंथी समूह द्वारा निर्धारित निर्माताओं ने जुलाई 2021 के भीतर शूटिंग पूरी करने के में कामयाबी हासिल की। फिल्म को मुख्य रूप से केरल में शूट किया गया था जिसमें कर्नाटक के सहन में कुछ दृश्यों की शूटिंग की गई थी। फिल्म का संगीत शान रहमान और सुशील श्याम ने तैयार किया है। श्याम ने बैकग्राउंड स्कोर की भी तैयार किया है जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी समीर ताहिर ने संभाली थी और लिविंगस्टन मैथ्यू ने संपादन किया था। फिल्म को 2020 के अंत में एक थिएटर्स के रिलीज के लिए सेट किया गया था लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसे कई बार स्थगित कर दिया गया था। सितंबर 2021 में निर्माताओं ने घोषित किया कि महामारी के कारण सिनेमाघरों के बंद होने के परिणाम स्वरूप फिल्म को सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के माध्यम से रिलीज किया जाएगा। इसका प्रीमियर
16 दिसंबर 2 को मुंबई फिल्म के फेस्टिवल में किया गया था और क्रिसमस की पूर्व संध्या के अवसर पर दुनिया भर में इसका प्रीमियर किया गया था। इसे कलाकारों से कि प्रदर्शन, लेखन, निर्देशन, एक्शन, दृश्यों, वीएफएक्स और साउंडट्रैक की प्रशंसा करते हुए आलोचकात्मक प्रशंसा मिली थी। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में तो टोविनो थॉमस दोहरी भूमिका में हैं, जेसन वर्गीज मनी मुरली एक दर्जी जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्ति या हासिल कर लेता है। युवा जेसन के रूप में अवन भूकोटे और मार्जिन रंग कला एक थिएटर कलाकार और जेसन के जैविक पिता है। शिबू के रूप में गुरु सोमसुंदरम एक सामाजिक वैश्विक जो एक चाय की दुकान में काम करता है जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्तिशाली हो जाता है। शिव के रूप में गुरु सोम सुंदरम एक है अर्जुन वर्गीज पी सी सीबी पोतन जैन जैसन के बनोई के रूप में और जोसमन के रूप में वशिष्ठ उमेश जेसन का भतीजा और पोतन का बेटा है। फेमिनम जॉर्ज ब्रूस ली बीजी के रूप में एक ट्रेवल एजेंट और कराटे प्रशिक्षक जो अनिश की पूर्व प्रेमिका है। तो ये बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो 1990 के शतक में जेसन कुरुकल मूला गांव का एक युवा दर्जी अमेरिका में अपना करियर बनाने के सपने देख रहा है। इस आय साजन में अपनी बेटी बिस्निंग के साथ जेसन के रिश्ते पर रोक लगा दी क्योंकि वह पहले से ही अनिश से जुड़ी हुई है। अनिश की पूर्व प्रेमिका ब्रूसली बीजी भी इस बात से नाराज है कि अनिश ने उससे संबंध तोड़ लिया है। इस बीच शिबू एक सामाजिक बहिष्कृत शिकार है जो एक चाय की दुकान में काम करता है और वह अपनी बचपन की प्यारी उषा जो कि दासन की बहन भी है कि वो वापसी के लिए 28 साल से इंतजार कर रहा था। दासन जेसन और उसके पिता वर्की की दर्जी की दुकान में काम करते हैं। उषा की एक बेटी है जिसे एक जरूरी मेडिकल ऑपरेशन की जरूरत है लेकिन ऑपरेशन के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं है। बाकी की फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है मिलनन मुरली। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिलनन मुरली एक 2021 की भारतीय मलयालम भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो बेसिल जोसेफ द्वारा निर्देशित और वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तले सोफिया पॉल द्वारा निर्मित है। पटकथा अरुण अनिरुद्धन और जस्टिन मैथ्यू ने लिखी है। फिल्म में टोविनो थॉमस और गुरु सुंदरम है। कहानी जेसन के जीवन का अनुसरण करती है जो एक युवा दर्जी है जो बिजली गिरने के बाद सुपर पावर हासिल करता है और एक सुपर हीरो में बदल जाता है। फिल्म की औपचारिक घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी लेकिन व्यापक
रिप्रोडक्शन कार्यों के कारण फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर 2019 के दौरान हुई थी। फिल्म हालांकि कोविड-19 महामारी की दुम लहरों और एक चर्च की बर्बरता के कारण शूटिंग दो बार बाधित हुई थी। दक्षिण पंथी समूह द्वारा निर्धारित निर्माताओं ने जुलाई 2021 के भीतर शूटिंग पूरी करने के में कामयाबी हासिल की। फिल्म को मुख्य रूप से केरल में शूट किया गया था, जिसमें कर्नाटक के सहन में कुछ दृश्यों की शूटिंग की गई थी। फिल्म का संगीत शान रहमान और सुशील श्याम ने तैयार किया है। श्याम ने बैकग्राउंड स्कोर की भी तैयार किया है, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी समीर ताहिर ने संभाली थी और लिविंगस्टन मेथ्यू ने संपादन किया था। फिल्म को 2020 के अंत में एक थिएटर्स के रिलीज के लिए सेट किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे कई बार स्थगित कर दिया गया था। सितंबर 2021 में निर्माताओं ने घोषित किया कि महामारी के कारण सिनेमाघरों के बंद होने के परिणाम स्वरूप फिल्म को सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के माध्यम से रिलीज किया जाएगा। इसका प्रीमियर 16 दिसंबर 2 को मुंबई फिल्म के फेस्टिवल में किया गया था और क्रिसमस की पूर्व संध्या के अवसर पर दुनिया भर में इसका प्रीमियर किया गया था। इसे कलाकारों से प्रदर्शन, लेखन, निर्देशन, एक्शन, दृश्यों, वीएफएक्स और साउंडट्रैक की प्रशंसा करते हुए आलोचकों को प्रशंसा मिली थी। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में तो टोविनो थॉमस दोहरी भूमिका में हैं, जेसन वर्गीज मनिल मुरली एक दर्जी जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्ति या हासिल कर लेता है। युवा जेसन के रूप में अवन बुकोटे और मार्जिन रंग कलाम एक थिएटर कलाकार और जेसन के जैविक पिता हैं। शिबू के रूप में गुरु सोमसुंदरम एक सामाजिक बहिष्कृत जो एक चाय की दुकान में काम करता है जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्तिशाली हो जाता है। शिव के रूप में गुरु सोम सुंदरम एक है अर्जुन वर्गीज पी सी सीबी पोतन जैन जैसन के बनोई के रूप में है और जोसमन के रूप में वशिष्ठ उमेश जैसन का भतीजा और पोतन का बेटा है। फेमिनम जॉर्ज ब्रूस ली बीजी के रूप में एक ट्रेवल एजेंट और कराटे प्रशिक्षक जो अनिश की पूर्व प्रेमिका है। वही बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो 1990 के शतक में जेसन कुरुकल मूला गांव का एक युवा दर्जी अमेरिका में अपना करियर बनाने के सपने देख रहा है। इस आय साजन ने अपनी बेटी बिस्निंग के साथ जेसन के रिश्ते पर रोक लगा दी, क्योंकि वह पहले से ही अनिश से जुड़ी हुई है। अनिश की पूर्व प्रेमिका ब्रूस ली बीजी भी इस बात से नाराज है कि अनिश ने उससे संबंध तोड़ लिया है। इस बीच शिबू एक सामाजिक बहिष्कृत शिकार है जो एक चाय की दुकान में काम करता है और वह अपनी बचपन की प्यारी उषा जो कि दासन की बहन भी है कि वो वापसी के लिए 28 साल से इंतजार कर रहा था। दासन जेसन और उसके पिता वर्की की दर्जी
की दुकान में काम करते हैं। उषा की एक बेटी है जिसे एक जरूरी मेडिकल ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन ऑपरेशन के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं है। बाकी की फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है मिलन मुरली। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिलन मुरली एक 2021 की भारतीय मलयालम भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो बेसिल जोसेफ द्वारा निर्देशित और वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तले सोफिया पॉल द्वारा निर्मित है। पटकथा अरुण अनिरुद्धन और जस्टिन मेथू ने लिखी है। फिल्म में टोविनो थॉमस और गुरु सुंदरम है। कहानी जेसन के जीवन का अनुसरण करती है जो एक युवा दर्जी है जो बिजली गिरने के बाद सुपर पावर हासिल करता है और एक सुपर हीरो में बदल जाता है। फिल्म की औपचारिक घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, लेकिन व्यापक रिप्रोडक्शन कार्यों के कारण फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर 2019 के दौरान हुई थी। फिल्म हालांकि COVID-19 महामारी की दुम लहरों और एक चर्च की बर्बरता के कारण शूटिंग दो बार बाधित हुई थी, दक्षिण पंथी समूह द्वारा निर्धारित निर्माताओं ने जुलाई 2021 के भीतर शूटिंग पूरी करने के में कामयाबी हासिल की। फिल्म को मुख्य रूप से केरल में शूट किया गया था जिसमें कर्नाटक सहन में कुछ दृश्य की शूटिंग की गई थी। फिल्म का संगीत शान रहमान और सुशील श्याम ने तैयार किया है। श्याम ने बैकग्राउंड स्कोर की भी तैयार किया है, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी समीर ताहिर ने संभाली थी और लिविंगस्टन मेथ्यू ने संपादन किया था। फिल्म को 2020 के अंत में एक थिएटर्स के रिलीज के लिए सेट किया गया था, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसे कई बार स्थगित कर दिया गया था। सितंबर 2021 में निर्माताओं ने घोषित किया कि महामारी के कारण सिनेमाघरों के बंद होने के परिणाम स्वरूप फिल्म को सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के माध्यम से रिलीज किया जाएगा। इसका प्रीमियर 16 दिसंबर 2 को मुंबई फिल्म के फेस्टिवल में किया गया था और क्रिसमस की पूर्व संध्या के अवसर पर दुनिया भर में इसका प्रीमियर किया गया था। इसे कलाकारों से प्रदर्शन, लेखन, निर्देशन, एक्शन, दृश्यों, VFX और साउंडट्रैक की प्रशंसा करते हुए आलोचकात्मक प्रशंसा मिली थी। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में तो टोविनो थॉमस दोहरी भूमिका में हैं, जेसन वर्गीज मनी मुरली एक दर्जी जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्ति यान हासिल कर लेता है। युवा जेसन के रूप में अवन बुकोट है और मार्जिन रंग कलाम एक थिएटर कलाकार और जेसन के जैविक पिता है। शिबू के रूप में गुरु सोमसुंदरम एक सामाजिक वैश्विक जो एक चाय की दुकान में काम करता है जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्तिशाली हो जाता है। शिव के रूप में गुरु सोम सुंदरम एक है
अजून वर्गीज पी सिंह सीबी कोतन जैन जैसन के बनोई के रूप में हैं और जोसमन के रूप में वशिष्ठ उमेश जैसन का भतीजा और पोतन का बेटा है। फेमिनम जॉर्ज ब्रूस ली बीजी के रूप में एक ट्रेवल एजेंट और कराटे प्रशिक्षक जो अनिश की पूर्व प्रेमिका है। वो ये बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो 1990 के शतक में जैसन कुरुकल मूला गांव का एक युवा दर्जी अमेरिका में अपना करियर बनाने के सपने देख रहा है। इस आय साजन में अपनी बेटी डिस्नी के साथ जैसन के रिश्ते पर रोक लगा दी क्योंकि वह पहले से ही अनिश से जुड़ी हुई है। अनिश की पूर्व प्रेमिका ब्रूस ली बीजी भी इस बात से नाराज है कि अनिश ने उससे संबंध तोड़ लिया है। इस बीच शिबू एक सामाजिक बहिष्कृत शिकार है जो एक चाय की दुकान में काम करता है और वह अपनी बचपन की प्यारी उषा जो कि दासन की बहन भी है कि वो वापसी के लिए 28 साल से इंतजार कर रहा था। दासन जैसन और उसके पिता वर्की की दर्जी की दुकान में काम करते हैं। उषा की एक बेटी है जिसे एक जरूरी मेडिकल ऑपरेशन की जरूरत है लेकिन ऑपरेशन के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं है। बाकी की फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है मिलनल मुरली। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिलनल मुरली एक 2021 की भारतीय मलयालम भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो बेसिल जोसेफ द्वारा निर्देशित और वीकेंड ब्लॉकबस्टर की बैनर तले सोफिया पॉल द्वारा निर्मित है। पटकथा अरुण अनिरुद्धन और जस्टिन मैथ्यू ने लिखी है। फिल्म में टोविनो थॉमस और गुरु सुंदरम है। कहानी जैसन के जीवन का अनुसरण करती है जो एक युवा दर्जी है जो बिजली गिरने के बाद सुपर पावर हासिल करता है और एक सुपर हीरो में बदल जाता है। फिल्म की औपचारिक घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी लेकिन व्यापक रिप्रोडक्शन कार्यों के कारण फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर 2019 के दौरान हुई थी। फिल्म हालांकि COVID-19 महामारी की दुम लहरों और एक चर्च की बर्बरता के कारण शूटिंग दो बार बाधित हुई थी। दक्षिणपंथी समूह द्वारा निर्धारित निर्माताओं ने जुलाई 2021 के भीतर शूटिंग पूरी करने के में कामयाबी हासिल की। फिल्म को मुख्य रूप से केरल में शूट किया गया था जिसमें कर्नाटक के सहन में कुछ दृश्यों की शूटिंग की गई थी। फिल्म का संगीत शान रहमान और सुशील श्याम ने तैयार किया है। श्याम ने बैकग्राउंड स्कोर की भी तैयार किया है जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी समीर ताहिर ने संभाली थी और लिविंगस्टन मैथ्यू ने संपादन किया था। फिल्म को 2020 के अंत में एक थिएटर्स के रिलीज के लिए सेट किया गया था लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसे कई बार स्थगित कर दिया गया था। सितंबर 2021 में निर्माताओं ने घोषित किया कि
महामारी के कारण सिनेमाघरों के बंद होने के परिणाम स्वरूप फिल्म को सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के माध्यम से रिलीज किया जाएगा। इसका प्रीमियर 16 दिसंबर 2 को मुंबई फिल्म के फेस्टिवल में किया गया था और क्रिसमस की पूर्व संध्या के अवसर पर दुनिया भर में इसका प्रीमियर किया गया था। इसे कलाकारों से प्रदर्शन, लेखन, निर्देशन, एक्शन, दृश्यों, वीएफएक्स और साउंडट्रैक की प्रशंसा करते हुए आलोचकों प्रशंसा मिली थी। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में तो टोविनो थॉमस दोहरी भूमिका में हैं, जेसन वर्गीज मनी मुरली एक दर्जी जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्ति यान हासिल कर लेता है। युवा जेसन के रूप में अवन भूकोटे और मार्जिन रंग कला एक थिएटर कलाकार और जेसन के जैविक पिता है। शिबू के रूप में गुरु सोमसुंदरम एक सामाजिक बहिष्कृत जो एक चाय की दुकान में काम करता है जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्तिशाली हो जाता है। शिव के रूप में गुरु सोम सुंदरम एक है अजून वर्गीज पी सी सी बी पोतन जैन जैसन के भनोई के रूप में है और जोसमन के रूप में वशिष्ठ उमेश जैसन का भतीजा और पोतन का बेटा है। फेमिनम जॉर्ज ब्रूस ली बीजी के रूप में एक ट्रेवल एजेंट और कराटे प्रशिक्षक जो अनिश की पूर्व प्रेमिका है। वही बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो 1990 के शतक में जेसन कुरुकल मूला गांव का एक युवा दर्जी अमेरिका में अपना करियर बनाने के सपने देख रहा है। इस आय साजन में अपनी बेटी डिस्नी के साथ जेसन के रिश्ते पर रोक लगा दी क्योंकि वह पहले से ही अनिश से जुड़ी हुई है। अनिश की पूर्व प्रेमिका ब्रूसली बीजी भी इस बात से नाराज है कि अनिश ने उससे संबंध तोड़ लिया है। इस बीच शिबू एक सामाजिक बहिष्कृत शिकार है जो एक चाय की दुकान में काम करता है और वह अपनी बचपन की प्यारी उषा जो कि दासन की बहन भी है कि वो वापसी के लिए 28 साल से इंतजार कर रहा था। दासन जेसन और उसके पिता वर्की की दर्जी की दुकान में काम करते हैं। उषा की एक बेटी है जिसे एक जरूरी मेडिकल ऑपरेशन की जरूरत है लेकिन ऑपरेशन के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं है। बाकी की फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है मिलना ना भूले। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिन्नल मुरली एक 2021 की भारतीय मलयालम भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो बेसिल जोसेफ द्वारा निर्देशित और वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तले सोफिया पॉल द्वारा निर्मित है। पटकथा अरुण अनिरुद्धन और जस्टिन मैथ्यू ने लिखी है। फिल्म में टोविनो थॉमस और गुरु सुंदरम है। कहानी जेसन के जीवन का अनुसरण करती है जो एक युवा दर्जी है जो
बिजली गिरने के बाद सुपर पावर हासिल करता है और एक सुपर हीरो में बदल जाता है। फिल्म की औपचारिक घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, लेकिन व्यापक रिप्रोडक्शन कार्यों के कारण फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर 2019 के दौरान हुई थी। फिल्म हालांकि कोविड-19 महामारी की धूम लहरों और एक चर्च की बर्बरता के कारण शूटिंग दो बार बाधित हुई थी। दक्षिण पंथी समूह द्वारा निर्धारित निर्माताओं ने जुलाई 2021 के भीतर शूटिंग पूरी करने के में कामयाबी हासिल की। फिल्म को मुख्य रूप से केरल में शूट किया गया था, जिसमें कर्नाटक के सहन में कुछ दृश्यों की शूटिंग की गई थी। फिल्म का संगीत शान रहमान और सुशील श्याम ने तैयार किया है। श्याम ने बैकग्राउंड स्कोर की भी तैयार किया है, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी समीर ताहिर ने संभाली थी और लिविंगस्टन मेथ्यू ने संपादन किया था। फिल्म को 2020 के अंत में एक थिएटर्स के रिलीज के लिए सेट किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे कई बार स्थगित कर दिया गया था। सितंबर 2021 में निर्माताओं ने घोषित किया कि महामारी के कारण सिनेमाघरों के बंद होने के परिणाम स्वरूप फिल्म को सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के माध्यम से रिलीज किया जाएगा। इसका प्रीमियर 16 दिसंबर 2 को मुंबई फिल्म के फेस्टिवल में किया गया था और क्रिसमस की पूर्व संध्या के अवसर पर दुनिया भर में इसका प्रीमियर किया गया था। इसे कलाकारों से प्रदर्शन, लेखन, निर्देशन, एक्शन, दृश्यों, वीएफएक्स और साउंडट्रैक की प्रशंसा करते हुए आलोचकों प्रशंसा मिली थी। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में तो टोविनो थॉमस दोहरी भूमिका में हैं, जेसन वर्गीज मनिल मुरली एक दर्जी जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्ति या हासिल कर लेता है। युवा जेसन के रूप में अवन भूकोट है और मार्जिन रंग कलाम एक थिएटर कलाकार और जेसन के जैविक पिता है। शिबू के रूप में गुरु सोमसुंदरम एक सामाजिक बहिष्कृत जो एक चाय की दुकान में काम करता है जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्तिशाली हो जाता है। शिवु के रूप में गुरु सोम सुंदरम एक है अजू वर्गीज पी सी सीबी पोतन जैन जैसन के बहनोई के रूप में है और जोसमन के रूप में वशिष्ठ उमेश जैसन का भतीजा और पोतन का बेटा है। फेमिनम जॉर्ज ब्रूस ली बीजी के रूप में एक ट्रेवल एजेंट और कराटे प्रशिक्षक जो अनिश की पूर्व प्रेमिका है। वो ये बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो 1990 के शतक में जेसन कुरुकल मूला गांव का एक युवा दर्जी अमेरिका में अपना करियर बनाने के सपने देख रहा है। इस आय साजन में अपनी बेटी बिस्निंग के साथ जेसन के रिश्ते पर रोक लगा दी क्योंकि वह पहले से ही अनिश से जुड़ी हुई है। अनिश की पूर्व प्रेमिका ब्रूस ली बीजी भी इस बात से नाराज है कि अनिश ने उससे संबंध तोड़ लिया है। इस बीच शिबू एक सामाजिक बहिष्कृत शिकार है जो एक चाय की दुकान में काम करता है और वह
अपनी बचपन की प्यारी उषा जो कि दासन की बहन भी है कि वो वापसी के लिए 28 साल से इंतजार कर रहा था। दासन जेसन और उसके पिता वर्की की दर्जी की दुकान में काम करते हैं। उषा की एक बेटी है जिसे एक जरूरी मेडिकल ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन ऑपरेशन के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं हैं। बाकी की फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है मिलनल मुरली। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिलनल मुरली एक 2021 की भारतीय मलयालम भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो बेसिल जोसेफ द्वारा निर्देशित और वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तले सोफियन पॉल द्वारा निर्मित है। पटकथा अरुण अनिरुद्धन और जस्टिन मैथ्यू ने लिखी है। फिल्म में टोविनो थॉमस और गुरु सुंदरम है। कहानी जेसन के जीवन का अनुसरण करती है जो एक युवा दर्जी है जो बिजली गिरने के बाद सुपर पावर हासिल करता है और एक सुपर हीरो में बदल जाता है। फिल्म की औपचारिक घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, लेकिन व्यापक रिप्रोडक्शन कार्यों के कारण फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर 2019 के दौरान हुई थी। फिल्म हालांकि COVID-19 महामारी की दुम लहरों और एक चर्च की बर्बरता के कारण शूटिंग दो बार बाधित हुई थी, दक्षिणपंथी समूह द्वारा निर्धारित निर्माताओं ने जुलाई 2021 के भीतर शूटिंग पूरी करने के में कामयाबी हासिल की। फिल्म को मुख्य रूप से केरल में शूट किया गया था जिसमें कर्नाटक के सहन में कुछ दृश्य की शूटिंग की गई थी। फिल्म का संगीत शान रहमान और सुशील श्याम ने तैयार किया है। श्याम ने बैकग्राउंड स्कोर की भी तैयार किया है, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी समीर ताहिर ने संभाली थी और लिविंगस्टन मैथ्यू ने संपादन किया था। फिल्म को 2020 के अंत में एक थिएटर्स के रिलीज के लिए सेट किया गया था, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसे कई बार स्थगित कर दिया गया था। सितंबर 2021 में निर्माताओं ने घोषित किया कि महामारी के कारण सिनेमाघरों के बंद होने के परिणाम स्वरूप फिल्म को सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के माध्यम से रिलीज किया जाएगा। इसका प्रीमियर 16 दिसंबर 2 को मुंबई फिल्म के फेस्टिवल में किया गया था और क्रिसमस की पूर्व संध्या के अवसर पर दुनिया भर में इसका प्रीमियर किया गया था। इसे कलाकारों से कि प्रदर्शन, लेखन, निर्देशन, एक्शन, दृश्यों, VFX और साउंडट्रैक की प्रशंसा करते हुए आलोचकों प्रशंसा मिली थी। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में तो टोविनो थॉमस दोहरी भूमिका में हैं, जेसन वर्गीज मनी मुरली एक दर्जी जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्ति या हासिल कर लेता है। युवा जेसन के रूप में अवन भूकोट है और मार्जिन रंग कला एक थिएटर कलाकार और जेसन के जैविक पिता है। शिबू के रूप में गुरु सोमसुंदरम एक सामाजिक
वैश्रुत जो एक चाय की दुकान में काम करता है जो बिजली की चपेट में आ जाता है और मान शक्तिशाली हो जाता है। शिव के रूप में गुरु सोम सुंदरम एक है। अजून वर्गीज पी सिंह सीबी पोतन जैन जैसन के बनोई के रूप में और जोसमन के रूप में वशिष्ठ उमेश जैसन का भतीजा और पोतन का बेटा है। फेमिनम जॉर्ज ब्रूस ली बीजी के रूप में एक ट्रेवल एजेंट और कराटे प्रशिक्षक जो अनिश की पूर्व प्रेमिका है। वो ये बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो 1990 के शतक में जेसन कुरुकल मूला गांव का एक युवा दर्जी अमेरिका में अपना करियर बनाने के सपने देख रहा है। इस आय साजन ने अपनी बेटी डिस्नी के साथ जेसन के रिश्ते पर रोक लगा दी क्योंकि वह पहले से ही अनिश से जुड़ी हुई है। अनिश की पूर्व प्रेमिका ब्रूस ली बीजी भी इस बात से नाराज है कि अनिश ने उससे संबंध तोड़ लिया है। इस बीच शिबु एक सामाजिक बहिष्कृत शिकार है जो एक चाय की दुकान में काम करता है और वह अपनी बचपन की प्यारी उषा जो कि दासन की बहन भी है कि वो वापसी के लिए 28 साल से इंतजार कर रहा था। दासन जेसन और उसके पिता वर्की की दर्जी की दुकान में काम करते हैं। उषा की एक बेटी है जिसे एक जरूरी मेडिकल ऑपरेशन की जरूरत है लेकिन ऑपरेशन के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं है। बाकी की फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है मिन्नन मुरली। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिन्नन मुरली एक 2021 की भारतीय मलयालम भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो बेसिल जोसेफ द्वारा निर्देशित और वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तले सोफिया पॉल द्वारा निर्मित है। पटकथा अरुण अनिरुद्धन और जस्टिन मैथ्यू ने लिखी है। फिल्म में टोविनो थॉमस और गुरु सुंदरम है। कहानी जेसन के जीवन का अनुसरण करती है जो एक युवा दर्जी है जो बिजली गिरने के बाद सुपर पावर हासिल करता है और एक सुपर हीरो में बदल जाता है। फिल्म की औपचारिक घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी लेकिन व्यापक रिप्रोडक्शन कार्यों के कारण फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर 2019 के दौरान हुई थी। फिल्म हालांकि COVID-19 महामारी की दुम लहरों और एक चर्च की बर्बरता के कारण शूटिंग दो बार बाधित हुई थी। दक्षिणपंथी समूह द्वारा निर्धारित निर्माताओं ने जुलाई 2021 के भीतर शूटिंग पूरी करने के में कामयाबी हासिल की। फिल्म को मुख्य रूप से केरल में शूट किया गया था जिसमें कर्नाटक के सहन में कुछ दृश्यों की शूटिंग की गई थी। फिल्म का संगीत शान रहमान और सुशील श्याम ने तैयार किया है। श्याम ने बैकग्राउंड स्कोर की भी तैयार किया है जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी समीर ताहिर ने संभाली थी और लिविंगस्टन मैथ्यू ने संपादन किया था।
फिल्म को 2020 के अंत में एक थिएटर्स के रिलीज के लिए सेट किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे कई बार स्थगित कर दिया गया था। सितंबर 2021 में निर्माताओं ने घोषित किया कि महामारी के कारण सिनेमाघरों के बंद होने के परिणाम स्वरूप फिल्म को सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के माध्यम से रिलीज किया जाएगा। इसका प्रीमियर 16 दिसंबर 2 को मुंबई फिल्म के फेस्टिवल में किया गया था और क्रिसमस की पूर्व संध्या के अवसर पर दुनिया भर में इसका प्रीमियर किया गया था। इसे कलाकारों से कि प्रदर्शन, लेखन, निर्देशन, एक्शन, दृश्यों, वीएफएक्स और साउंडट्रैक की प्रशंसा करते हुए आलोचकों प्रशंसा मिली थी। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में तो टोविनो थॉमस दोहरी भूमिका में हैं, जेसन वर्गीज मनी मुरली एक दर्जी जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्ति या हासिल कर लेता है। युवा जेसन के रूप में अवन बुकोटे और मार्जिन रंग कला एक थिएटर कलाकार और जेसन के जैविक पिता है। शिबू के रूप में गुरु सोमसुंदरम एक सामाजिक बहिष्कृत जो एक चाय की दुकान में काम करता है जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्तिशाली हो जाता है। शिव के रूप में गुरु सोम सुंदरम एक है अर्जुन वर्गीज पी सी सी बी पोतन जैन जैसन के बनोई के रूप में है और जोसमन के रूप में वशिष्ठ उमेश जैसन का भतीजा और पोतन का बेटा है। फेमिनम जॉर्ज ब्रूस ली बीजी के रूप में एक ट्रेवल एजेंट और कराटे प्रशिक्षक जो अनिश की पूर्व प्रेमिका है। वो ये बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो 1990 के शतक में जेसन कुरुकन मूला गांव का एक युवा दर्जी अमेरिका में अपना करियर बनाने के सपने देख रहा है। इस आई साजन ने अपनी बेटी डिस्नी के साथ जेसन के रिश्ते पर रोक लगा दी क्योंकि वह पहले से ही अनिश से जुड़ी हुई है। अनिश की पूर्व प्रेमिका ब्रूसली बीजी भी इस बात से नाराज है कि अनिश ने उससे संबंध तोड़ लिया है। इस बीच शिबू एक सामाजिक बहिष्कृत शिकार है जो एक चाय की दुकान में काम करता है और वह अपनी बचपन की प्यारी उषा जो कि दासन की बहन भी है कि वो वापसी के लिए 28 साल से इंतजार कर रहा था। दासन जेसन और उसके पिता वर्की की दर्जी की दुकान में काम करते हैं। उषा की एक बेटी है जिसे एक जरूरी मेडिकल ऑपरेशन की जरूरत है लेकिन ऑपरेशन के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं है। बाकी की फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है मिन्नल मुरली। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिन्नल मुरली एक 2021 की भारतीय मलयालम भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो बेसिल जोसेफ द्वारा निर्देशित और वीकेंड ब्लॉकबस्टर की बैनर तले सोफिया पॉल द्वारा निर्मित है। पटकथा अरुण अनिरुद्धन और जस्टिन मेथू
ने लिखी है। इन फिल्म में टूविनो थॉमस और गुरु सुंदरम है। कहानी जेसन के जीवन का अनुसरण करती है, जो एक युवा दर्जी है जो बिजली गिरने के बाद सुपर पावर हासिल करता है और एक सुपर हीरो में बदल जाता है। फिल्म की औपचारिक घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, लेकिन व्यापक रिप्रोडक्शन कार्यों के कारण फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर 2019 के दौरान हुई थी। फिल्म हालांकि कोविड-19 महामारी की धूम लहरों और एक चर्च की बर्बरता के कारण शूटिंग दो बार बाधित हुई थी। दक्षिण पंथी समूह द्वारा निर्धारित निर्माताओं ने जुलाई 2021 के भीतर शूटिंग पूरी करने के में कामयाबी हासिल की। फिल्म को मुख्य रूप से केरल में शूट किया गया था, जिसमें कर्नाटक के सहन में कुछ दृश्यों की शूटिंग की गई थी। फिल्म का संगीत शान रहमान और सुशील श्याम ने तैयार किया है। श्याम ने बैकग्राउंड स्कोर की भी तैयार किया है, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी समीर ताहिर ने संभाली थी और लिविंगस्टन मेथ्यू ने संपादन किया था। फिल्म को 2020 के अंत में एक थिएटर्स के रिलीज के लिए सेट किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे कई बार स्थगित कर दिया गया था। सितंबर 2021 में निर्माताओं ने घोषित किया कि महामारी के कारण सिनेमाघरों के बंद होने के परिणाम स्वरूप फिल्म को सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के माध्यम से रिलीज किया जाएगा। इसका प्रीमियर 16 दिसंबर 2 को मुंबई फिल्म के फेस्टिवल में किया गया था और क्रिसमस की पूर्व संध्या के अवसर पर दुनिया भर में इसका प्रीमियर किया गया था। इसे कलाकारों से प्रदर्शन, लेखन, निर्देशन, एक्शन, दृश्यों, वीएफएक्स और साउंडट्रैक की प्रशंसा करते हुए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में तो टूविनो थॉमस दोहरी भूमिका में हैं, जेसन वर्गीज मनिल मुरली एक दर्जी जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्ति या हासिल कर लेता है। युवा जेसन के रूप में अवन बुकोट है और मार्जिन रंग कलाम एक थिएटर कलाकार और जेसन के जैविक पिता है। शिबू के रूप में गुरु सोमसुंदरम एक सामाजिक बहिष्कृत जो एक चाय की दुकान में काम करता है जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्तिशाली हो जाता है। शिवु के रूप में गुरु सोमसुंदरम एक है अर्जुन वर्गीज पी सी सीबी पोतन जैन जेसन के बहनोई के रूप में है और जोसमन के रूप में वशिष्ठ उमेश जेसन का भतीजा और पोतन का बेटा है। फेमिनम जॉर्ज ब्रूस ली बीजी के रूप में एक ट्रेवल एजेंट और कराटे प्रशिक्षक जो अनीश की पूर्व प्रेमिका है। वही बात करें उनकी स्टोरी के बारे में तो 1990 के शतक में जेसन कुरुकल मूला गांव का एक युवा दर्जी अमेरिका में अपना करियर बनाने के सपने देख रहा है। इस आय साजन ने अपनी बेटी बिस्निंग के साथ जेसन के रिश्ते पर रोक लगा दी, क्योंकि वह पहले से ही अंश से जुड़ी हुई है।
पनिश की पूर्व प्रेमिका ब्रूस ली बीजी भी इस बात से नाराज है कि पनिश ने उससे संबंध तोड़ लिया है। इस बीच शिबू एक सामाजिक बहिष्कृत शिकार है जो एक चाय की दुकान में काम करता है और वह अपनी बचपन की प्यारी उषा जो कि दासन की बहन भी है कि वो वापसी के लिए 28 साल से इंतजार कर रहा था। दासन जेसन और उसके पिता वर्की की दर्जी की दुकान में काम करते हैं। उषा की एक बेटी है जिसे एक जरूरी मेडिकल ऑपरेशन की जरूरत है लेकिन ऑपरेशन के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं हैं। बाकी की फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है मिलनन मुरली। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिलनन मुरली एक 2021 की भारतीय मलयालम भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो बेसिल जोसेफ द्वारा निर्देशित और वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तले सोफियन पॉल द्वारा निर्मित है। पटकथा अरुण अनिरुद्धन और जस्टिन मेथू ने लिखी है। फिल्म में टोविनो थॉमस और गुरु सुंदरम है। कहानी जेसन के जीवन का अनुसरण करती है जो एक युवा दर्जी है जो बिजली गिरने के बाद सुपर पावर हासिल करता है और एक सुपर हीरो में बदल जाता है। फिल्म की औपचारिक घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी लेकिन व्यापक रिप्रोडक्शन कार्यों के कारण फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर 2019 के दौरान हुई थी। फिल्म हालांकि COVID-19 महामारी की दुम लहरों और एक चर्च की बर्बरता के कारण शूटिंग दो बार बाधित हुई थी। दक्षिण पंथी समूह द्वारा निर्धारित निर्माताओं ने जुलाई 2021 के भीतर शूटिंग पूरी करने के में कामयाबी हासिल की। फिल्म को मुख्य रूप से केरल में शूट किया गया था जिसमें कर्नाटक के सहन में कुछ दृश्य की शूटिंग की गई थी। फिल्म का संगीत शान रहमान और सुशील श्याम ने तैयार किया है। श्याम ने बैकग्राउंड स्कोर की भी तैयार किया है जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी समीर ताहिर ने संभाली थी और लिविंगस्टन मेथ्यू ने संपादन किया था। फिल्म को 2020 के अंत में एक थिएटर्स के रिलीज के लिए सेट किया गया था लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसे कई बार स्थगित कर दिया गया था। सितंबर 2021 में निर्माताओं ने घोषित किया कि महामारी के कारण सिनेमाघरों के बंद होने के परिणाम स्वरूप फिल्म को सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के माध्यम से रिलीज किया जाएगा। इसका प्रीमियर 16 दिसंबर 2 को मुंबई फिल्म के फेस्टिवल में किया गया था और क्रिसमस की पूर्व संध्या के अवसर पर दुनिया भर में इसका प्रीमियर किया गया था। इसे कलाकारों से कि प्रदर्शन लेखन निर्देशन एक्शन दृश्यों वीएफएक्स और साउंडट्रैक की प्रशंसा करते हुए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में तो टोविनो थॉमस दोहरी भूमिका में हैं, जेसन वर्गीज मनी मुरली एक दर्जी जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्ति यान हासिल कर लेता है। युवा
युवा जेसन के रूप में अवन बुकोटे और मार्जिन रंग कलाम एक थिएटर कलाकार और जेसन के जैविक पिता है। शिबू के रूप में गुरु सोमसुंदरम एक सामाजिक वैश्विक जो एक चाय की दुकान में काम करता है जो बिजली की चपेट में आ जाता है और मान शक्तिशाली हो जाता है। शिव के रूप में गुरु सोम सुंदरम एक है अर्जुन वर्गीज पी सिंह सीबी पोतन जैन जैसन के बनोई के रूप में और जोसमन के रूप में वशिष्ठ उमेश जैसन का भतीजा और पोतन का बेटा है। फेमिनम जॉर्ज ब्रूस ली बीजी के रूप में एक ट्रेवल एजेंट और कराटे प्रशिक्षक जो अनिश की पूर्व प्रेमिका है। वही बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो 1990 के शतक में जेसन कुरुकल मूला गांव का एक युवा दर्जी अमेरिका में अपना करियर बनाने के सपने देख रहा है। इस आय साजन ने अपनी बेटी डिस्नी के साथ जेसन के रिश्ते पर रोक लगा दी क्योंकि वह पहले से ही अनिश से जुड़ी हुई है। अनिश की पूर्व प्रेमिका ब्रूस ली बीजी भी इस बात से नाराज है कि अनिश ने उससे संबंध तोड़ लिया है। इस बीच शिबू एक सामाजिक बहिष्कृत शिकार है जो एक चाय की दुकान में काम करता है और वह अपनी बचपन की प्यारी उषा जो कि दासन की बहन भी है कि वो वापसी के लिए 28 साल से इंतजार कर रहा था। दासन जेसन और उसके पिता वर्की की दर्जी की दुकान में काम करते हैं। उषा की एक बेटी है जिसे एक जरूरी मेडिकल ऑपरेशन की जरूरत है लेकिन ऑपरेशन के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं है। बाकी की फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है मिलना मुरली। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिन्नल मुरली एक 2021 की भारतीय मलयालम भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो बेसिल जोसेफ द्वारा निर्देशित और वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तले सोफिया पॉल द्वारा निर्मित है। पटकथा अरुण अनिरुद्धन और जस्टिन मैथ्यू ने लिखी है। फिल्म में टोविनो थॉमस और गुरु सुंदरम है। कहानी जेसन के जीवन का अनुसरण करती है जो एक युवा दर्जी है जो बिजली गिरने के बाद सुपर पावर हासिल करता है और एक सुपर हीरो में बदल जाता है। फिल्म की औपचारिक घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी लेकिन व्यापक रिप्रोडक्शन कार्यों के कारण फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर 2019 के दौरान हुई थी। फिल्म हालांकि COVID-19 महामारी की दुम लहरों और एक चर्च की बर्बरता के कारण शूटिंग दो बार बाधित हुई थी। दक्षिणपंथी समूह द्वारा निर्धारित निर्माताओं ने जुलाई 2021 के भीतर शूटिंग पूरी करने के में कामयाबी हासिल की। फिल्म को मुख्य रूप से केरल में शूट किया गया था जिसमें कर्नाटक के सहन में कुछ दृश्यों की शूटिंग की गई थी। फिल्म का संगीत शान रहमान और
सुशील श्याम ने तैयार किया है। श्याम ने बैकग्राउंड स्कोर की भी तैयार किया है, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी समीर ताहिर ने संभाली थी और लिविंगस्टन मैथ्यू ने संपादन किया था। फिल्म को 2020 के अंत में एक थिएटर्स के रिलीज के लिए सेट किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे कई बार स्थगित कर दिया गया था। सितंबर 2021 में निर्माताओं ने घोषित किया कि महामारी के कारण सिनेमाघरों के बंद होने के परिणाम स्वरूप फिल्म को सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के माध्यम से रिलीज किया जाएगा। इसका प्रीमियर 16 दिसंबर 2 को मुंबई फिल्म के फेस्टिवल में किया गया था और क्रिसमस की पूर्व संध्या के अवसर पर दुनिया भर में इसका प्रीमियर किया गया था। इसे कलाकारों से कि प्रदर्शन, लेखन, निर्देशन, एक्शन, दृश्यों, वीएफएक्स और साउंडट्रैक की प्रशंसा करते हुए आलोचकों प्रशंसा मिली थी। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में तो टोविनो थॉमस दोहरी भूमिका में हैं, जेसन वर्गीज मनिल मुरली एक दर्जी जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्ति या हासिल कर लेता है। युवा जेसन के रूप में अवन बुकोटे और मार्जिन रंग कला एक थिएटर कलाकार और जेसन के जैविक पिता है। शिबू के रूप में गुरु सोमसुंदरम एक सामाजिक बहिष्कृत जो एक चाय की दुकान में काम करता है जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्तिशाली हो जाता है। शिव के रूप में गुरु सोमसुंदरम एक है अर्जुन वर्गीज पी सी सी बी पोतन जैन जैसन के बनोई के रूप में है और जोसमन के रूप में वशिष्ठ उमेश जैसन का भतीजा और पोतन का बेटा है। फेमिनम जॉर्ज ब्रूस ली बीजी के रूप में एक ट्रेवल एजेंट और कराटे प्रशिक्षक जो अनिश की पूर्व प्रेमिका है। वो ये बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो 1990 के शतक में जेसन क्रूकन मूला गांव का एक युवा दर्जी अमेरिका में अपना करियर बनाने के सपने देख रहा है। इस आई साजन ने अपनी बेटी बिस्नी के साथ जेसन के रिश्ते पर रोक लगा दी क्योंकि वह पहले से ही अनिश से जुड़ी हुई है। अनिश की पूर्व प्रेमिका ब्रूस ली बीजी भी इस बात से नाराज है कि अनिश ने उससे संबंध तोड़ लिया है। इस बीच शिबू एक सामाजिक बहिष्कृत शिकार है जो एक चाय की दुकान में काम करता है और वह अपनी बचपन की प्यारी उषा जो कि दासन की बहन भी है कि वो वापसी के लिए 28 साल से इंतजार कर रहा था। दासन जेसन और उसके पिता वर्की की दर्जी की दुकान में काम करते हैं। उषा की एक बेटी है जिसे एक जरूरी मेडिकल ऑपरेशन की जरूरत है लेकिन ऑपरेशन के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं है। बाकी की फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है मिलना ना भूलें। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिन्नल मुरली एक 2021 की भारतीय मलयालम भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो
बेसिल जोसेफ द्वारा निर्देशित और विंग वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तले सोफिया पॉल द्वारा निर्मित है। पटकथा अरुण अनिरुद्धन और जस्टिन मैथ्यू ने लिखी है। फिल्म में टोविनो थॉमस और गुरु सुंदरम है। कहानी जेसन के जीवन का अनुसरण करती है जो एक युवा दर्जी है जो बिजली गिरने के बाद सुपर पावर हासिल करता है और एक सुपर हीरो में बदल जाता है। फिल्म की औपचारिक घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी लेकिन व्यापक रिप्रोडक्शन कार्यों के कारण फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर 2019 के दौरान हुई थी। फिल्म हालांकि कोविड-19 महामारी की दुम लहरों और एक चर्च की बर्बरता के कारण शूटिंग दो बार बाधित हुई थी। दक्षिण पंथी समूह द्वारा निर्धारित निर्माताओं ने जुलाई 2021 के भीतर शूटिंग पूरी करने के में कामयाबी हासिल की। फिल्म को मुख्य रूप से केरल में शूट किया गया था जिसमें कर्नाटक के सहन में कुछ दृश्यों की शूटिंग की गई थी। फिल्म का संगीत शान रहमान और सुशील श्याम ने तैयार किया है। श्याम ने बैकग्राउंड स्कोर की भी तैयार किया है जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी समीर ताहिर ने संभाली थी और लिविंगस्टन मैथ्यू ने संपादन किया था। फिल्म को 2020 के अंत में एक थिएटर्स के रिलीज के लिए सेट किया गया था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे कई बार स्थगित कर दिया गया था। सितंबर 2021 में निर्माताओं ने घोषित किया कि महामारी के कारण सिनेमाघरों के बंद होने के परिणाम स्वरूप फिल्म को सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के माध्यम से रिलीज किया जाएगा। इसका प्रीमियर 16 दिसंबर 2 को मुंबई फिल्म के फेस्टिवल में किया गया था और क्रिसमस की पूर्व संध्या के अवसर पर दुनिया भर में इसका प्रीमियर किया गया था। इसे कलाकारों से प्रदर्शन लेखन निर्देशन एक्शन दृश्यों वीएफएक्स और साउंडट्रैक की प्रशंसा करते हुए आलोचकों प्रशंसा मिली थी। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में तो टोविनो थॉमस दोहरी भूमिका में हैं। जेसन वर्गीज मनिल मुरलिन एक दर्जी जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्ति या हासिल कर लेता है। युवा जेसन के रूप में अवन बुकोट है और मार्जिन रंग कलाम एक थिएटर कलाकार और जेसन के जैविक पिता है। शिबू के रूप में गुरु सोमसुंदरम एक सामाजिक बहिष्कृत जो एक चाय की दुकान में काम करता है जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्तिशाली हो जाता है। शिव के रूप में गुरु सोम सुंदरम एक है। अजून वर्गीज पी सी सीबी पोतन जैन जेसन के बनोई के रूप में है और जोसमन के रूप में वशिष्ठ उमेश जेसन का भतीजा और पोतन का बेटा है। फेमिनम जॉर्ज ब्रूस ली बीजी के रूप में एक ट्रेवल एजेंट और कराटे प्रशिक्षक जो अनिश की पूर्व प्रेमिका है। वही बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो 1990 के शतक में जेसन कुरुकल मूला गांव का एक युवा दर्जी अमेरिका में अपना करियर बनाने के सपने देख रहा है। इस
आई साजन ने अपनी बेटी बिस्नी के साथ जेसन के रिश्ते पर रोक लगा दी क्योंकि वह पहले से ही अनिश से जुड़ी हुई है। अनिश की पूर्व प्रेमिका ब्रूस ली बीजी भी इस बात से नाराज है कि अनिश ने उससे संबंध तोड़ लिया है। इस बीच शिबू एक सामाजिक बहिष्कृत शिकार है जो एक चाय की दुकान में काम करता है और वह अपनी बचपन की प्यारी उषा जो कि दासन की बहन भी है कि वो वापसी के लिए 28 साल से इंतजार कर रहा था। दासन जेसन और उसके पिता वर्की की दर्जी की दुकान में काम करते हैं। उषा की एक बेटी है जिसे एक जरूरी मेडिकल ऑपरेशन की जरूरत है लेकिन ऑपरेशन के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं है। बाकी की फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है मिलन मुरली। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिन्नल मुरली एक 2021 की भारतीय मलयालम भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो बेसिल जोसेफ द्वारा निर्देशित और वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तले सोफिया पॉल द्वारा निर्मित है। पटकथा अरुण अनिरुद्धन और जस्टिन मेथू ने लिखी है। फिल्म में टूविनो थॉमस और गुरु सुंदरम है। कहानी जेसन के जीवन का अनुसरण करती है जो एक युवा दर्जी है जो बिजली गिरने के बाद सुपर पावर हासिल करता है और एक सुपर हीरो में बदल जाता है। फिल्म की औपचारिक घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी लेकिन व्यापक रिप्रोडक्शन कार्यों के कारण फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर 2019 के दौरान हुई थी। फिल्म हालांकि COVID-19 महामारी की दुम लहरों और एक चर्च की बर्बरता के कारण शूटिंग दो बार बाधित हुई थी। दक्षिण पंथी समूह द्वारा निर्धारित निर्माताओं ने जुलाई 2021 के भीतर शूटिंग पूरी करने के में कामयाबी हासिल की। फिल्म को मुख्य रूप से केरल में शूट किया गया था जिसमें कर्नाटक के सहन में कुछ दृश्य की शूटिंग की गई थी। फिल्म का संगीत शान रहमान और सुशील श्याम ने तैयार किया है। श्याम ने बैकग्राउंड स्कोर की भी तैयार किया है जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी समीर ताहिर ने संभाली थी और लिविंगस्टन मेथ्यू ने संपादन किया था। फिल्म को 2020 के अंत में एक थिएटर्स के रिलीज के लिए सेट किया गया था लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसे कई बार स्थगित कर दिया गया था। सितंबर 2021 में निर्माताओं ने घोषित किया कि महामारी के कारण सिनेमाघरों के बंद होने के परिणाम स्वरूप फिल्म को सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के माध्यम से रिलीज किया जाएगा। इसका प्रीमियर 16 दिसंबर 2 को मुंबई फिल्म के फेस्टिवल में किया गया था और क्रिसमस की पूर्व संध्या के अवसर पर दुनिया भर में इसका प्रीमियर किया गया था। इसे कलाकारों से कि प्रदर्शन लेखन निर्देशन एक्शन दृश्यों VFX और साउंडट्रैक की प्रशंसा करते हुए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में तो टूविनो थॉमस दोहरी भूमिका में हैं। जेसन
वर्गीज मनिल मुरलिन एक दर्जी जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्ति यान हासिल कर लेता है। युवा जैसन के रूप में अवन भूकोटे और मार्जिन रंग कलाम एक थिएटर कलाकार और जैसन के जैविक पिता है। शिबु के रूप में गुरु सोमसुंदरम एक सामाजिक वैश्रुत जो एक चाय की दुकान में काम करता है जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्तिशाली हो जाता है। शिव के रूप में गुरु सोम सुंदरम एक है अजून वर्गीज पी सी सीबी पोतन जैन जैसन के बनोई के रूप में और जोसमन के रूप में वशिष्ठ उमेश जैसन का भतीजा और पोतन का बेटा है। फेमिनम जॉर्ज ब्रूस ली बीजी के रूप में एक ट्रेवल एजेंट और कराटे प्रशिक्षक जो अनिश की पूर्व प्रेमिका है। वो ये बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो 1990 के शतक में जैसन कुरुकन मूला गांव का एक युवा दर्जी अमेरिका में अपना करियर बनाने के सपने देख रहा है। इस आय साजन ने अपनी बेटी डिस्नी के साथ जैसन के रिश्ते पर रोक लगा दी क्योंकि वह पहले से ही अनिश से जुड़ी हुई है। अनिश की पूर्व प्रेमिका ब्रूस ली बीजी भी इस बात से नाराज है कि अनिश ने उससे संबंध तोड़ लिया है। इस बीच शिबु एक सामाजिक बहिष्कृत शिकार है जो एक चाय की दुकान में काम करता है और वह अपनी बचपन की प्यारी उषा जो कि दासन की बहन भी है कि वो वापसी के लिए 28 साल से इंतजार कर रहा था। दासन जैसन और उसके पिता वर्की की दर्जी की दुकान में काम करते हैं। उषा की एक बेटी है जिसे एक जरूरी मेडिकल ऑपरेशन की जरूरत है लेकिन ऑपरेशन के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं है। बाकी की फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है मिलना ना भूलें। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिन्नल मुरली एक 2021 की भारतीय मलयालम भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो बेसिल जोसेफ द्वारा निर्देशित और वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तले सोफिया पॉल द्वारा निर्मित है। पटकथा अरुण अनिरुद्धन और जस्टिन मैथ्यू ने लिखी है। फिल्म में टोविनो थॉमस और गुरु सुंदरम है। कहानी जैसन के जीवन का अनुसरण करती है जो एक युवा दर्जी है जो बिजली गिरने के बाद सुपर पावर हासिल करता है और एक सुपर हीरो में बदल जाता है। फिल्म की औपचारिक घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी लेकिन व्यापक रिप्रोडक्शन कार्यों के कारण फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर 2019 के दौरान हुई थी। फिल्म हालांकि COVID-19 महामारी की दुम लहरों और एक चर्च की बर्बरता के कारण शूटिंग 2 बार बाधित हुई थी। दक्षिणपंथी समूह द्वारा निर्धारित निर्माताओं ने जुलाई 2021 के भीतर शूटिंग पूरी करने के में कामयाबी हासिल की। फिल्म को मुख्य रूप से
केरल में शूट किया गया था, जिसमें कर्नाटक के सहन में कुछ दृश्यों की शूटिंग की गई थी। फिल्म का संगीत शान रहमान और सुशील श्याम ने तैयार किया है। श्याम ने बैकग्राउंड स्कोर की भी तैयार किया है, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी समीर ताहिर ने संभाली थी और लिविंगस्टन मैथ्यू ने संपादन किया था। फिल्म को 2020 के अंत में एक थिएटर्स के रिलीज के लिए सेट किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे कई बार स्थगित कर दिया गया था। सितंबर 2021 में निर्माताओं ने घोषित किया कि महामारी के कारण सिनेमाघरों के बंद होने के परिणाम स्वरूप फिल्म को सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के माध्यम से रिलीज किया जाएगा। इसका प्रीमियर 16 दिसंबर 2 को मुंबई फिल्म के फेस्टिवल में किया गया था और क्रिसमस की पूर्व संध्या के अवसर पर दुनिया भर में इसका प्रीमियर किया गया था। इसे कलाकारों से प्रदर्शन, लेखन, निर्देशन, एक्शन, दृश्यों, वीएफएक्स और साउंडट्रैक की प्रशंसा करते हुए आलोचकात्मक प्रशंसा मिली थी। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में तो टोविनो थॉमस दोहरी भूमिका में हैं, जेसन वर्गीज मनिल मुरली एक दर्जी जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्ति यान हासिल कर लेता है। युवा जेसन के रूप में अवान भूकोटे और मार्जिन रंग कला एक थिएटर कलाकार और जेसन के जैविक पिता है। शिबू के रूप में गुरु सोमसुंदरम एक सामाजिक बहिष्कृत जो एक चाय की दुकान में काम करता है जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्तिशाली हो जाता है। शिव के रूप में गुरु सोमसुंदरम एक है अजून वर्गीज पी सी सी बी पोतन जैन जैसन के बनोई के रूप में और जोसमन के रूप में वशिष्ठ उमेश जैसन का भतीजा और पोतन का बेटा है। फेमिनम जॉर्ज ब्रूस ली बीजी के रूप में एक ट्रेवल एजेंट और कराटे प्रशिक्षक जो अनिश की पूर्व प्रेमिका है। वो ये बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो 1990 के शतक में जेसन कुरुकन मूला गांव का एक युवा दर्जी अमेरिका में अपना करियर बनाने के सपने देख रहा है। इस आई साजन ने अपनी बेटी बिस्निंग के साथ जेसन के रिश्ते पर रोक लगा दी क्योंकि वह पहले से ही अनिश से जुड़ी हुई है। अनिश की पूर्व प्रेमिका ब्रूसली बीजी भी इस बात से नाराज है कि अनिश ने उससे संबंध तोड़ लिया है। इस बीच शिबू एक सामाजिक बहिष्कृत शिकार है जो एक चाय की दुकान में काम करता है और वह अपनी बचपन की प्यारी उषा जो कि दासन की बहन भी है कि वो वापसी के लिए 28 साल से इंतजार कर रहा था। दासन जेसन और उसके पिता वर्की की दर्जी की दुकान में काम करते हैं। उषा की एक बेटी है जिसे एक जरूरी मेडिकल ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन ऑपरेशन के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं है। बाकी की फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है मिलनन मुरली। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिलनन मुरली एक 2021 की भारतीय मलयालम भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो बेसिल जोसेफ द्वारा निर्देशित और वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तले सोफियन पॉल द्वारा निर्मित है। पटकथा अरुण अनिरुद्धन और जस्टिन मैथ्यू ने लिखी है। फिल्म में टोविनो थॉमस और गुरु सुंदरम है। कहानी जेसन के जीवन का अनुसरण करती है जो एक युवा दर्जी है जो बिजली गिरने के बाद सुपर पावर हासिल करता है और एक सुपर हीरो में बदल जाता है। फिल्म की औपचारिक घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी लेकिन व्यापक रिप्रोडक्शन कार्यों के कारण फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर 2019 के दौरान हुई थी। फिल्म हालांकि कोविड-19 महामारी की दुम लहरों और एक चर्च की बर्बरता के कारण शूटिंग दो बार बाधित हुई थी। दक्षिण पंथी समूह द्वारा निर्धारित निर्माताओं ने जुलाई 2021 के भीतर शूटिंग पूरी करने के में कामयाबी हासिल की। फिल्म को मुख्य रूप से केरल में शूट किया गया था जिसमें कर्नाटक किन सहन में कुछ दृश्यों की शूटिंग की गई थी। फिल्म का संगीत शान रहमान और सुशील श्याम ने तैयार किया है। श्याम ने बैकग्राउंड स्कोर की भी तैयार किया है जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी समीर ताहिर ने संभाली थी और लिविंगस्टन मैथ्यू ने संपादन किया था। फिल्म को 2020 के अंत में एक थिएटर्स के रिलीज के लिए सेट किया गया था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे कई बार स्थगित कर दिया गया था। सितंबर 2021 में निर्माताओं ने घोषित किया कि महामारी के कारण सिनेमाघरों के बंद होने के परिणाम स्वरूप फिल्म को सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के माध्यम से रिलीज किया जाएगा। इसका प्रीमियर 16 दिसंबर 2 को मुंबई फिल्म के फेस्टिवल में किया गया था और क्रिसमस की पूर्व संध्या के अवसर पर दुनिया भर में इसका प्रीमियर किया गया था। इसे कलाकारों से प्रदर्शन, लेखन, निर्देशन, एक्शन, दृश्यों, वीएफएक्स और साउंडट्रैक की प्रशंसा करते हुए आलोचकों प्रशंसा मिली थी। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में तो टोविनो थॉमस दोहरी भूमिका में हैं, जेसन वर्गीज मनिल मुरली एक दर्जी जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्ति या हासिल कर लेता है। युवा जेसन के रूप में अवन बुकोटे और मार्जिन रंग कलाम एक थिएटर कलाकार और जेसन के जैविक पिता हैं। शिबू के रूप में गुरु सोमसुंदरम एक सामाजिक बहिष्कृत जो एक चाय की दुकान में काम करता है जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्तिशाली हो जाता है। शिवु के रूप में गुरु सोम सुंदरम एक है। अर्जुन वर्गीज पी सी सीबी पोतन जैन जेसन के बहनोई के रूप में है और जोसमन के रूप में वशिष्ठ उमेश जेसन का भतीजा और पोतन का बेटा है। फेमिनम जॉर्ज ब्रूस ली बीजी के रूप में एक ट्रेवल एजेंट और कराटे प्रशिक्षक जो अनीश की पूर्व प्रेमिका है।
वही बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में, तो 1990 के शतक में जेसन कुरुकन मूला गांव का एक युवा दर्जी अमेरिका में अपना करियर बनाने के सपने देख रहा है। इस आय साजन ने अपनी बेटी बिस्निंग के साथ जेसन के रिश्ते पर रोक लगा दी, क्योंकि वह पहले से ही अनिश से जुड़ी हुई है। अनिश की पूर्व प्रेमिका ब्रूस ली बीजी भी इस बात से नाराज है कि अनिश ने उससे संबंध तोड़ लिया है। इस बीच शिबू एक सामाजिक बहिष्कृत शिकार है जो एक चाय की दुकान में काम करता है, और वह अपनी बचपन की प्यारी उषा जो कि दासन की बहन भी है कि वो वापसी के लिए 28 साल से इंतजार कर रहा था। दासन जेसन और उसके पिता वर्की की दर्जी की दुकान में काम करते हैं। उषा की एक बेटी है जिसे एक जरूरी मेडिकल ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन ऑपरेशन के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं है। बाकी की फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है मिन्नल मुरली। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिन्नल मुरली एक 2021 की भारतीय मलयालम भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो बेसिल जोसेफ द्वारा निर्देशित और वीकेंड ब्लॉकबस्टर की बैनर तले सोफियन पॉल द्वारा निर्मित है। पटकथा अरुण अनिरुद्धन और जस्टिन मेथू ने लिखी है। फिल्म में टोविनो थॉमस और गुरु सुंदरम है। कहानी जेसन के जीवन का अनुसरण करती है जो एक युवा दर्जी है जो बिजली गिरने के बाद सुपर पावर हासिल करता है और एक सुपर हीरो में बदल जाता है। फिल्म की औपचारिक घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, लेकिन व्यापक रिप्रोडक्शन कार्यों के कारण फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर 2019 के दौरान हुई थी। फिल्म हालांकि COVID-19 महामारी की दुम लहरों और एक चर्च की बर्बरता के कारण शूटिंग दो बार बाधित हुई थी, दक्षिणपंथी समूह द्वारा निर्धारित निर्माताओं ने जुलाई 2021 के भीतर शूटिंग पूरी करने के में कामयाबी हासिल की। फिल्म को मुख्य रूप से केरल में शूट किया गया था जिसमें कर्नाटक के सहन में कुछ दृश्य की शूटिंग की गई थी। फिल्म का संगीत शान रहमान और सुशील श्याम ने तैयार किया है। श्याम ने बैकग्राउंड स्कोर की भी तैयार किया है, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी समीर ताहिर ने संभाली थी और लिविंगस्टन मेथ्यू ने संपादन किया था। फिल्म को 2020 के अंत में एक थिएटर्स के रिलीज के लिए सेट किया गया था, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसे कई बार स्थगित कर दिया गया था। सितंबर 2021 में निर्माताओं ने घोषित किया कि महामारी के कारण सिनेमाघरों के बंद होने के परिणाम स्वरूप फिल्म को सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के माध्यम से रिलीज किया जाएगा। इसका प्रीमियर 16 दिसंबर 2 को मुंबई फिल्म के फेस्टिवल में किया गया था और क्रिसमस की पूर्व संध्या के अवसर पर दुनिया भर में इसका प्रीमियर किया गया था। इसे कलाकारों से
कि प्रदर्शन, लेखन, निर्देशन, एक्शन, दृश्यम, वीएफएक्स और साउंडट्रैक की प्रशंसा करते हुए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में तो टोबिनो थॉमस दोहरी भूमिका में हैं, जेसन वर्गीज मनिल मुरली एक दर्जी जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्ति यान हासिल कर लेता है। युवा जेसन के रूप में अवन भूकोट है और मार्जिन रंग कला एक थिएटर कलाकार और जेसन के जैविक पिता है। शिबू के रूप में गुरु सोमसुंदरम एक सामाजिक वैश्विक जो एक चाय की दुकान में काम करता है जो बिजली की चपेट में आ जाता है और मान शक्तिशाली हो जाता है। शिव के रूप में गुरु सोम सुंदरम एक है अजून वर्गीज पी सी सीबी पोतन जैन जैसन के वनुई के रूप में और जोसमन के रूप में वशिष्ठ उमेश जैसन का भतीजा और पोतन का बेटा है। फेमिनम जॉर्ज ब्रूस लिम बीजी के रूप में एक ट्रेवल एजेंट और कराटे प्रशिक्षक जो अनिश की पूर्व प्रेमिका है। तो ये बात करें उनकी स्टोरी के बारे में तो 1990 के शतक में जेसन कुरुकल मूला गांव का एक युवा दर्जी अमेरिका में अपना करियर बनाने के सपने देख रहा है। इस आय साजन ने अपनी बेटी बिस्नी के साथ जेसन के रिश्ते पर रोक लगा दी क्योंकि वह पहले से ही अनिश से जुड़ी हुई है। अनिश की पूर्व प्रेमिका ब्रूस ली बीजी भी इस बात से नाराज है कि अनिश ने उससे संबंध तोड़ लिया है। इस बीच शिबू एक सामाजिक बहिष्कृत शिकार है जो एक चाय की दुकान में काम करता है और वह अपनी बचपन की प्यारी उषा जो कि दासन की बहन भी है कि वो वापसी के लिए 28 साल से इंतजार कर रहा था। दासन जेसन और उसके पिता वर्की की दर्जी की दुकान में काम करते हैं। उषा की एक बेटी है जिसे एक जरूरी मेडिकल ऑपरेशन की जरूरत है लेकिन ऑपरेशन के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं है। बाकी की फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है मिन्नल मुरली। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिन्नल मुरली एक 2021 की भारतीय मलयालम भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो बेसिल जोसेफ द्वारा निर्देशित और वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तले सोफिया पॉल द्वारा निर्मित है। पटकथा अरुण अनिरुद्धन और जस्टिन मैथ्यू ने लिखी है। फिल्म में टोबिनो थॉमस और गुरु सुंदरम है। कहानी जेसन के जीवन का अनुसरण करती है जो एक युवा दर्जी है जो बिजली गिरने के बाद सुपर पावर हासिल करता है और एक सुपर हीरो में बदल जाता है। फिल्म की औपचारिक घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी लेकिन व्यापक रिप्रोडक्शन कार्यों के कारण फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर 2019 के दौरान हुई थी। फिल्म हालांकि COVID-19 महामारी की दुम लहरों और एक चर्च की बर्बर
रता के कारण शूटिंग दो बार बाधित हुई थी। दक्षिण पंथी समूह द्वारा निर्धारित निर्माताओं ने जुलाई 2021 के भीतर शूटिंग पूरी करने के में कामयाबी हासिल की। फिल्म को मुख्य रूप से केरल में शूट किया गया था, जिसमें कर्नाटक के सहन में कुछ दृश्यों की शूटिंग की गई थी। फिल्म का संगीत शान रहमान और सुशील श्याम ने तैयार किया है। श्याम ने बैकग्राउंड स्कोर की भी तैयार किया है, जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी समीर ताहिर ने संभाली थी और लिविंगस्टन मेथ्यू ने संपादन किया था। फिल्म को 2020 के अंत में एक थिएटर्स के रिलीज के लिए सेट किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे कई बार स्थगित कर दिया गया था। सितंबर 2021 में निर्माताओं ने घोषित किया कि महामारी के कारण सिनेमाघरों के बंद होने के परिणाम स्वरूप फिल्म को सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के माध्यम से रिलीज किया जाएगा। इसका प्रीमियर 16 दिसंबर 2 को मुंबई फिल्म के फेस्टिवल में किया गया था और क्रिसमस की पूर्व संध्या के अवसर पर दुनिया भर में इसका प्रीमियर किया गया था। इसे कलाकारों से प्रदर्शन, लेखन, निर्देशन, एक्शन, दृश्यों, वीएफएक्स और साउंडट्रैक की प्रशंसा करते हुए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो टोविनो थॉमस दोहरी भूमिका में हैं, जेसन वर्गीज मनिल मुरली एक दर्जी जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्ति यान हासिल कर लेता है। युवा जेसन के रूप में अवन बुकोटे और मार्जिन रंग कला एक थिएटर कलाकार और जेसन के जैविक पिता है। शिबू के रूप में गुरु सोमसुंदरम एक सामाजिक बहिष्कृत जो एक चाय की दुकान में काम करता है जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्तिशाली हो जाता है। शिव के रूप में गुरु सोम सुंदरम एक है अजून वर्गीज पी सी सी बी पोतन जैन जैसन के भवनोई के रूप में और जोसमन के रूप में वशिष्ठ उमेश जैसन का भतीजा और पोतन का बेटा है। फेमिनम जॉर्ज ब्रूस ली बीजी के रूप में एक ट्रेवल एजेंट और कराटे प्रशिक्षक जो अनिश की पूर्व प्रेमिका है। वही बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो 1990 के शतक में जेसन कुरुकन मूला गांव का एक युवा दर्जी अमेरिका में अपना करियर बनाने के सपने देख रहा है। इस आय साजन में अपनी बेटी बिस्निंग के साथ जेसन के रिश्ते पर रोक लगा दी क्योंकि वह पहले से ही अनिश से जुड़ी हुई है। अनिश की पूर्व प्रेमिका ब्रूसली बीजी भी इस बात से नाराज है कि अनिश ने उससे संबंध तोड़ लिया है। इस बीच शिबू एक सामाजिक बहिष्कृत शिकार है जो एक चाय की दुकान में काम करता है और वह अपनी बचपन की प्यारी उषा जो कि दासन की बहन भी है कि वो वापसी के लिए 28 साल से इंतजार कर रहा था। दासन जेसन और उसके पिता वर्की की दर्जी की दुकान में काम करते हैं। उषा की एक बेटी है जिसे एक जरूरी मेडिकल ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन ऑपरेशन के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं हैं।
बाकी की फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है मिलना ना भूलें। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिन्नल मुरली एक 2021 की भारतीय मलयालम भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो बेसिल जोसेफ द्वारा निर्देशित और वीकेंड ब्लॉकबस्टर की बैनर तले सोफिया पॉल द्वारा निर्मित है। पटकथा अरुण अनिरुद्धन और जस्टिन मैथ्यू ने लिखी है। फिल्म में टूविनो थॉमस और गुरु सुंदरम है। कहानी जेसन के जीवन का अनुसरण करती है जो एक युवा दर्जी है जो बिजली गिरने के बाद सुपर पावर हासिल करता है और एक सुपर हीरो में बदल जाता है। फिल्म की औपचारिक घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी लेकिन व्यापक रिप्रोडक्शन कार्यों के कारण फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर 2019 के दौरान हुई थी। फिल्म हालांकि COVID-19 महामारी की दुम लहरों और एक चर्च की बर्बरता के कारण शूटिंग दो बार बाधित हुई थी। दक्षिण पंथी समूह द्वारा निर्धारित निर्माताओं ने जुलाई 2021 के भीतर शूटिंग पूरी करने के में कामयाबी हासिल की। फिल्म को मुख्य रूप से केरल में शूट किया गया था जिसमें कर्नाटक के सहन में कुछ दृश्यों की शूटिंग की गई थी। फिल्म का संगीत शान रहमान और सुशील श्याम ने तैयार किया है। श्याम ने बैकग्राउंड स्कोर की भी तैयार किया है जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी समीर ताहिर ने संभाली थी और लिविंगस्टन मैथ्यू ने संपादन किया था। फिल्म को 2020 के अंत में एक थिएटर्स के रिलीज के लिए सेट किया गया था लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसे कई बार स्थगित कर दिया गया था। सितंबर 2021 में निर्माताओं ने घोषित किया कि महामारी के कारण सिनेमाघरों के बंद होने के परिणाम स्वरूप फिल्म को सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के माध्यम से रिलीज किया जाएगा। इसका प्रीमियर 16 दिसंबर 2 को मुंबई फिल्म के फेस्टिवल में किया गया था और क्रिसमस की पूर्व संध्या के अवसर पर दुनिया भर में इसका प्रीमियर किया गया था। इसे कलाकारों से प्रदर्शन, लेखन, निर्देशन, एक्शन, दृश्यों, VFX और साउंडट्रैक की प्रशंसा करते हुए आलोचकात्मक प्रशंसा मिली थी। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में तो टूविनो थॉमस दोहरी भूमिका में हैं, जेसन वर्गीज मनील मुरली एक दर्जी जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्ति या हासिल कर लेता है। युवा जेसन के रूप में अवन बुकोट है और मार्जिन रंग कला एक थिएटर कलाकार और जेसन के जैविक पिता है। शिबू के रूप में गुरु सोमसुंदरम एक सामाजिक बहिष्कृत जो एक चाय की दुकान में काम करता है जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्तिशाली हो जाता है। शिव के रूप में गुरु सोमसुंदरम एक है अर्जुन वर्गीज PC सीबी पोतन जैन जेसन के बहनोई के रूप में है और जोसमन के रूप में वशिष्ठ उमेश जेसन का
भतीजा और पोतन का बेटा है। फेमिनम जॉर्ज ब्रूस ली वीजी के रूप में एक ट्रेवल एजेंट और कराटे प्रशिक्षक जो अनीश की पूर्व प्रेमिका है। वो ये बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो 1990 के शतक में जेसन कुरुकल मूला गांव का एक युवा दर्जी अमेरिका में अपना करियर बनाने के सपने देख रहा है। इस आय साजन ने अपनी बेटी डिस्नी के साथ जेसन के रिश्ते पर रोक लगा दी क्योंकि वह पहले से ही अनीश से जुड़ी हुई है। अनीश की पूर्व प्रेमिका ब्रूस ली वीजी भी इस बात से नाराज है कि अनीश ने उससे संबंध तोड़ लिया है। इस बीच शिबू एक सामाजिक बहिष्कृत शिकार है जो एक चाय की दुकान में काम करता है और वह अपनी बचपन की प्यारी उषा जो कि दासन की बहन भी है कि वो वापसी के लिए 28 साल से इंतजार कर रहा था। दासन जेसन और उसके पिता वर्की की दर्जी की दुकान में काम करते हैं। उषा की एक बेटी है जिसे एक जरूरी मेडिकल ऑपरेशन की जरूरत है लेकिन ऑपरेशन के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं है। बाकी की फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है मिलनल मुरली। इस फिल्म से जुड़ी जितने भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिलनल मुरली एक 2021 की भारतीय मलयालम भाषा की सुपर हीरो फिल्म है जो बेसिल जोसेफ द्वारा निर्देशित और वीकेंड ब्लॉकबस्टर के बैनर तले सोफियन पॉल द्वारा निर्मित है। पटकथा अरुण अनिरुद्धन और जस्टिन मैथ्यू ने लिखी है। फिल्म में टोविनो थॉमस और गुरु सुंदरम है। कहानी जेसन के जीवन का अनुसरण करती है जो एक युवा दर्जी है जो बिजली गिरने के बाद सुपर पावर हासिल करता है और एक सुपर हीरो में बदल जाता है। फिल्म की औपचारिक घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी लेकिन व्यापक रिप्रोडक्शन कार्यों के कारण फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी दिसंबर 2019 के दौरान हुई थी। फिल्म हालांकि COVID-19 महामारी की दुम लहरों और एक चर्च की बर्बरता के कारण शूटिंग दो बार बाधित हुई थी। दक्षिण पंथी समूह द्वारा निर्धारित निर्माताओं ने जुलाई 2021 के भीतर शूटिंग पूरी करने के में कामयाबी हासिल की। फिल्म को मुख्य रूप से केरल में शूट किया गया था जिसमें कर्नाटक के सहन में कुछ दृश्य की शूटिंग की गई थी। फिल्म का संगीत शान रहमान और सुशील श्याम ने तैयार किया है। श्याम ने बैकग्राउंड स्कोर की भी तैयार किया है जबकि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी समीर ताहिर ने संभाली थी और लिविंगस्टन मैथ्यू ने संपादन किया था। फिल्म को 2020 के अंत में एक थिएटर्स के रिलीज के लिए सेट किया गया था लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसे कई बार स्थगित कर दिया गया था। सितंबर 2021 में निर्माताओं ने घोषित किया कि महामारी के कारण सिनेमाघरों के बंद होने के परिणाम स्वरूप फिल्म को सीधे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के माध्यम से रिलीज किया जाएगा। इसका प्रीमियर
16 दिसंबर 2 को मुंबई फिल्म के फेस्टिवल में किया गया था और क्रिसमस की पूर्व संध्या के अवसर पर दुनिया भर में इसका प्रीमियर किया गया था। इसे कलाकारों से कि प्रदर्शन, लेखन, निर्देशन, एक्शन, दृश्यों, वीएफएक्स और साउंडट्रैक की प्रशंसा करते हुए आलोचकों प्रशंसा मिली थी। वही बात करें उनके कास्ट के बारे में तो टोविनो थॉमस दोहरी भूमिका में हैं, जेसन वर्गीज मनी मुरली एक दर्जी जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्ति यान हासिल कर लेता है। युवा जेसन के रूप में अवन भूकोट है और मार्जिन रंग कला एक थिएटर कलाकार और जेसन के जैविक पिता है। शिवु के रूप में गुरु सोमसुंदरम एक सामाजिक बहिष्कृत जो एक चाय की दुकान में काम करता है जो बिजली की चपेट में आ जाता है और महाशक्तिशाली हो जाता है। शिव के रूप में गुरु सोम सुंदरम एक है अर्जुन वर्गीज पी सी सीबी पोतन जैन जैसन के बनोई के रूप में और जोसमन के रूप में वशिष्ठ उमेश जैसन का भतीजा और पोतन का बेटा है। फेमिनम जॉर्ज ब्रूस ली बीजी के रूप में एक ट्रेवल एजेंट और कराटे प्रशिक्षक जो अनिश की पूर्व प्रेमिका है। वही बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो 1990 के शतक में जेसन कुरुकल मूला गांव का एक युवा दर्जी अमेरिका में अपना करियर बनाने के सपने देख रहा है। इस आय साजन ने अपनी बेटी डिस्नी के साथ जेसन के रिश्ते पर रोक लगा दी क्योंकि वह पहले से ही अनिश से जुड़ी हुई है। अनिश की पूर्व प्रेमिका ब्रूस ली बीजी भी इस बात से नाराज है कि अनिश ने उससे संबंध तोड़ लिया है। इस बीच शिबु एक सामाजिक बहिष्कृत शिकार है जो एक चाय की दुकान में काम करता है और वह अपनी बचपन की प्यारी उषा जो कि दासन की बहन भी है कि वो वापसी के लिए 28 साल से इंतजार कर रहा था। दासन जेसन और उसके पिता वर्की की दर्जी की दुकान में काम करते हैं। उषा की एक बेटी है जिसे एक जरूरी मेडिकल ऑपरेशन की जरूरत है लेकिन ऑपरेशन के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं हैं। बाकी की फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।